हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एपी से रिलेटेड और कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा कोई भी सीक्वेंस एपी में कब होता है। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे मान लीजिए एक कोई मेरे पास एपी दे रखी है 2, 4, 6, 8। ठीक है दोस्तों, ये एपी क्यों है? क्योंकि हर एक स्टेप पे कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2 है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2 है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2 है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये क्या एक एपी है। ठीक है, और ये 2, 4, 6, 8 ये क्या चीज़ है? ये क्या है? फर्स्ट टर्म, इसको A1 बोलते हैं। फर्स्ट टर्म को A1 भी बोलते हैं और सिंपल A भी लिख देते हैं, A या A1 सेम चीज़ है। सेकेंड टर्म, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इसको A4 बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं A3 क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 6th, यानी कि थर्ड टर्म 6th है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं इसकी A5 क्या है, यानी कि 5th टर्म क्या है, तो आप सिंपल क्या करोगे? A5 फाइंड आउट करनी है। अगर मैं A4 में D जोड़ दूं, A4 क्या है मेरा 8 और D क्या 2, 8 में 2 जोड़ा 10, तो A5 क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। A6 भी आसानी से निकाल दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसका A100 निकाल लो, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, दो दो जोड़ेंगे, या A1000 निकाल लो। तो इन चीज़ों को निकालने के लिए, इस चीज़ को निकालने के लिए तो मैं किस चीज़ का यूज़ करता हूँ, यानी कि मैं ये क्या है, ये 100th टर्म, जैसे 5th टर्म थी, ऐसे इसको मैं जब आगे लिखता जाऊँगा तो इसमें 1000 टर्म कौन सी होगी या 100 टर्म कौन सी होगी, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसको फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास होता है जर्नल टर्म फार्मूला। ये होता है मेरा जर्नल टर्म फार्मूला। इसमें ये क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे A तो क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है दोस्तों, और D का कॉमन डिफरेंस है। N क्या है और AN क्या है, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, पहले देखते हैं N क्या है। जैसे मान लीजिए ये AP यहाँ तक थी। अगर मैं आपसे पूछूं इस AP में कितनी नंबर ऑफ टर्म है, कैसे काउंट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी नंबर ऑफ टर्म है? 6, यानी कि इसमें कितने नंबर हैं? 6 नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी 5th टर्म कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, 10, इसकी 5th टर्म क्या है? 10। यानी कि N तो होता है किसी भी AP में कितने नंबर ऑफ टर्म है, उसको बोलते हैं N। ठीक है दोस्तों, और A5 क्या होता है? A5 होता है अभी कौन सी टर्म है, 5th टर्म है, 6th टर्म है, 7th टर्म है, वो होता है A5 या A6, A7 या ऐसी AN। ऐसी जब इस सीक्वेंस को मैं आगे ओपन करता जाऊंगा, जैसे A5 है, A6 है, उसके बाद कहीं ना कहीं जाके AN भी आएगा, nth टर्म भी आएगी इसकी कहीं ना कहीं, उसको हम बोलते हैं nth टर्म। मैंने यहाँ लिख करके AN का मतलब होता है nth टर्म, कौन सी टर्म है वो। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, ये सिक्वेंस आगे तक जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा फाइंड 20th टर्म। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, 40, 42, 38 और 36। ठीक है दोस्तों, पहले तो हम देखते हैं ये मेरे पास फार्मूला है, इसमें क्या क्या चीज़ें मुझे गिवन है। हाँ जी, A1 होता है, A2 है मेरे पास। ठीक है दोस्तों, ये गिवन है। D क्या है मेरे पास? कॉमन डिफरेंस, ये भी गिवन है मेरे पास। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं मुझे N गिवन है क्या, AN गिवन है। मुझे क्या फाइंड आउट करनी है? 20th टर्म, जहाँ भी पीछे TH लिखा जाए ना, TH 20th या 4th या सेकेंड टर्म या 8th टर्म, इस टाइप से लिखा जाए, तो आप ये सोचिए डायरेक्ट तो वो N की वैल्यू दे रखी है मुझे। ठीक है दोस्तों, एक और तरीके से समझाता हूँ मैं। जैसे ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये A1 है, ये सेकंड टर्म है, ये A2 है, ये थर्ड टर्म है, ये A3 है। इसमें मुझे फाइंड आउट क्या करनी है? 20th टर्म, यानी कि मुझे A20 फाइंड आउट करना है। तो कंपेयर करूँगा तो N की वैल्यू क्या आ रही है? 20। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं, यानी कि मुझे N की वैल्यू भी दे रखी है। तो रह क्या गया फार्मूले में AN रह गया, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? AN फाइंड आउट करना है। आइए फाइंड आउट करते हैं AN। अब N की जगह क्या आ गया यहाँ पे? 20 आ गया, यानी कि मुझे इसकी 20th टर्म फाइंड आउट करनी है।
फार्मूले में रखते हैं ए प्लस में एन की वैल्यू क्या देखिए 20 माइनस के 1 डी, 2 प्लस में 19 गुणा 2 38 और 2 40, यानी कि 820 क्या आ गया मेरे पास 40। इसका मतलब क्या है, यानी कि जैसे इस सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म 10th थी, ऐसे इसकी 20th टर्म क्या होगी 40 होगी। आई होप आपको ये समझ आएगा। तो ए क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसलिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, एक कोई ए पी है 5, 10, 15, ठीक है दोस्तों, वो आगे ऐसे चलती जा रही है। फाइंड करो 100th टर्म, यानी कि इसकी 100th टर्म कौन सी होगी। जैसे ये थर्ड टर्म है, ऐसी 100th टर्म कौन सी होगी। ठीक है दोस्तों, चेक करते हैं क्या क्या मुझे गिवन है। हाँ जी, मुझे ए गिवन है, ए फर्स्ट टर्म होती है, ए क्या है मेरे पास 5, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस 5 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस भी 5 है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे चेक करने की एन है क्या ए एन है 100th टर्म। मैंने आपको बोला था फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म आ जाए, यानी कि वो एन दे रखा है। ये क्या है एन है, एन क्या दे रखा है मुझे 100, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एन क्या दे रखा है मुझे 100। ठीक है दोस्तों, ये आप ऐसे भी समझ सकते थे इसको 100th टर्म। जैसे ये थर्ड टर्म है A3 लिखेंगे, इसको A100 को A100 लिखेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करके देखो तो n की वैल्यू क्या आ गया 100, n की वैल्यू 100। ठीक है दोस्तों, तो अब फार्मूले में क्या क्या रह गया। हाँ जी, मुझे n भी दे रखा है, a भी दे रखा है, d भी दे रखा है, तो मुझे an फाइंड आउट करना है, A100 फाइंड आउट करना है। हाँ जी, मुझे A100, क्योंकि मुझे इसकी 100th टर्म बतानी थी कौन सी, तो A100 तो ये बनेगी। तो क्या बनेगा फार्मूला, a प्लस में एन माइनस के 1 और डी। ठीक है दोस्तों, 5 प्लस में 99 मल्टीप्लाई डी, तो 5 प्लस में 5 × 45, 4 × 5 = 45 और 4 कितने होते हैं 49, तो क्या आ गया 500। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब मैं इस सीक्वेंस को आगे ऐसे बढ़ाता जाऊंगा तो इसकी 100th टर्म, 100वीं टर्म कौन सी होएगी 500 होएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, एक कोई ए पी दे रखी है मुझे 3, 6, 9, ऐसे करते करते वो 243 तक जा रही है। ठीक है दोस्तों, और मुझे पूछा जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। ठीक है दोस्तों, पहले तो मैं ये चेक करूँगा मुझे फार्मूले में क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। हाँ जी, मुझे ए गिवन है, ए यहाँ पे मुझे गिवन है, और डी गिवन है मुझे, डी कॉमन डिफरेंस 3, ये भी गिवन है मुझे। ठीक है दोस्तों, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ टर्म को किससे डिनोट किया जाता है, एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो एन से डिनोट किया जाता है। अब ये क्या चीज़ है मेरे पास, ये देखते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरे पास क्या थी, फर्स्ट टर्म A1, ये सेकंड टर्म, ये A3 थर्ड टर्म, ऐसी फोर्थ टर्म आएगी, फिफ्थ टर्म आएगी, पर ये तो मुझे पता ही नहीं कौन सी नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है दोस्तों, ये मुझे नहीं पता कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, तो मैं इसको An मान के चलूँगा। ये क्या है, nth टर्म है मेरे पास, ये क्या है An, तो ये मुझे क्या दे रखे हैं An 243। ठीक, आई होप आपको समझ आएगा। जैसे ये तो फर्स्ट टर्म है A1, ये सेकंड टर्म है A2, ये थर्ड टर्म है, उसके बाद ये फोर्थ टर्म आएगी, पर बीच में मुझे नहीं पता बीच में कितनी टर्म है, इसलिए मैं इसको An लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता, और मुझे इसी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूले वैल्यू पुट करते हैं, An की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे 243। ठीक है दोस्तों, A की वैल्यू क्या दे रखी है 3, और n की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, और d की वैल्यू भी क्या दे रखी है 3। ठीक है दोस्तों, 243 माइनस 3, ये 3 इधर आ गया, और ये n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है दोस्तों, 243 में से 3 के कितना होता है 240 इज इक्वल टू एन माइनस के 1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है दोस्तों, ये 3 क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और 3×8=24, 80 आ गया, यानी कि एन माइनस 1 इज इक्वल टू 80, और ये 1 उधर जाके हो गया प्लस हो गया, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 81। ये 81 आया क्या, यानी कि इस सीक्वेंस की जो 81th टर्म है, यानी कि जैसे ये है थर्ड टर्म है, जैसी 81th टर्म है वो क्या 243 है। ठीक है दोस्तों, और यही मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो n की वैल्यू क्या आ गई 81। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं।
जैसे ये कोई मुझे एपी दे रखी है 5, 2, -1, ऐसे करते करते एपी कहाँ तक जा रही है, -22 तक जा रही है, यानी कि इस एपी की लास्ट टर्म क्या है, वो 22 है, और मुझे पूछ लिया जाएगा फाइंड एन, आप एन की वैल्यू बताओ, और मुझे चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ए है ए बी सी डी, मान लीजिए ए है 10, ये है 12, ये है 8 और ये है 6, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे ए की वैल्यू गिवन है, ए क्या फर्स्ट टर्म, वो तो 5 है, डी कैसे निकाल लेंगे, सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, तो गया 2 में से 5 गया, तो क्या आ जाएगा -3, डी क्या आ गया -3, और मुझे एन की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, ठीक है दोस्तों। ये क्या देख रहे हैं मुझे nth टर्म, ए एन है ना, nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या है इसकी 22, तो ए एन क्या है -22, क्योंकि मुझे इसका नंबर नहीं पता कौन से नंबर किया, तो मैं इसको ए एन मान के चलूँगा, ठीक है दोस्तों। तो फार्मूले में सब वैल्यू पुट कर दो, -22 इज इक्वल टू ए प्लस में, हाँ जी एन की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, एन माइनस के 1 और डी की वैल्यू क्या है -3, इसको सोल्व कर लो आप, ये इधर आ जाएगा -5, एन -1 और मल्टीप्लाई -3, हाँ जी -27, एन -1 और -3, ठीक है दोस्तों। ये -3 यहाँ नीचे चला गया, इसके साथ ये कट गया और 3 में 27, तो एन -1 इज इक्वल टू 9, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 10, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 10, इसका मतलब क्या है, यानी कि इस एपी की 10th टर्म क्या है -22 है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, इस तरह आप इस फार्मूले से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं, एग्जामिनर आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।